सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टड मोटो ब्लॉग्स। तो भाई कैसे हो आप लोग? तो भाई आज अपनी वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि भाई आज हमारे पास आ चुकी है RS 200, जो 2022 मॉडल, जिसका बहुत ज़्यादा वेट था भाई पब्लिक को, वो फाइनली आ चुकी है हमारे सामने RS 200। बट एक चीज़ मेरे को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट लगी, क्योंकि कह रहे थे कि इसमें लुक्स ज़्यादा चेंज हो जाएगी, बहुत कुछ चेंजेस कह रहे थे कि इसमें लुक्स में आ जाएंगे, बट मेरे को वही पुराने वाली लगी बिल्कुल। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं लुक्स में, बाकी अगर कोई चेंजेस हैं तो मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में, आखिरी तक बने रहना। और आपको मैं इसका पूरा शोरूम वॉक अराउंड देने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो चलो फिर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले ना इसकी फ्रंट लुक में आ जाते हैं। फ्रंट लुक में देखो आपको यही LED DRL मिल जाते हैं, और वही अपनी ओल्ड स्कूल लुक मिल जाती है, जो कि अपना छोटा सा वाइजर आ जाता है इसमें वाइट कलर का, ट्रांसपेरेंट जो स्टॉक में आता है। और इसमें जो कलर थीम दे रखे ना, थोड़ी रेड ब्लैक, थोड़ी मैट ब्लैक टाइप में, और बीच में ये कि वाइट टाइप दे रखे हैं, तो अच्छा लग रहा है इसका कलर थीम भी। और इसमें अगर हम साइड प्रोफाइल में आ जाए ना, तो भाई अपना पुराने वाला डिज़ाइन मिल जाता है। और यहाँ पर 200 का लोगो, 200cc में आ जाती है अपनी RS 200, तो अपने 200 का लोगो यहाँ पर, पल्सर की बैजिंग मिल जाती है आपको, जो नॉर्मल में मिलती है आपको सब। और अगर इसके हम एग्जॉस्ट में आ जाए ना, एग्जॉस्ट बिल्कुल ब्लैक में दे रखा है, और इसका एग्जॉस्ट का स्टाइल यार, जो अपनी N160 N250 आई थी उसका भी बहुत अच्छा था, और इसका भी ऑब्वियस बहुत अच्छा लगा मेरे को एग्जॉस्ट का जो साइज़ है और ऊपर से डिज़ाइन। और बैक लुक अपनी पुरानी वही RS 200 वाली, जो अपनी आती है अलग से, ये पीछे टेल लाइट मिल जाती है, LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर्स के साथ मिल जाती है अपनी। और यहाँ पर अपनी RS 200 की बैजिंग मिल जाती है। और अगर इसके मडगार्ड की बात करें ना, तो बहुत अच्छा खासा पूरा कवर कर देता है यार मडगार्ड। और यहाँ पर कार्बन फिनिश में थोड़ा मिल जाता है, ओरिजिनल नहीं है बट कार्बन फाइबर अच्छा लग रहा है दिखने में। और ये आपको रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है मडगार्ड, जैसे अपने यामा और बाइक अगर उससे कंपेयर करें तो अच्छा खासा मडगार्ड दे रखा है, उनमें बहुत छोटा मडगार्ड आता है जिससे भी पूरा गंदा हो जाता है, बट इसमें ये सीन नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम इसके अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आ जाए ना, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये देखो भाई ऐसे होने होती है, और ये देखो बहुत मतलब पुराने वाला ही है बट बढ़िया लगता है मेरे को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये अपना डिजिटल मीटर आ जाता है, ये अपना ओडोमीटर जो आता है नॉर्मली। इसमें आपको अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अच्छी खासी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, न्यूट्रल का साइन मिल जाता है, अपना बैटरी का साइन मिल जाता है, बजाज का ये जो भी है, और इंजन टेम्परेचर सब कुछ देखने को मिल जाता है इसमें। और ये अपना RPM मीटर दे रखा है, यहाँ पर फ्यूल आपको दिख रहा होगा, ये अपना फ्यूल गेज दिखा देते हैं यहाँ पर। और अगर हम डिजिटल मीटर में आए ना, तो अपना किलोमीटर्स दिखा देता है, कितने किलोमीटर चलिए, 8 किलोमीटर दिखा रहा है जैसे, और टाइमिंग दिखा देता है। साइड स्टैंड कट ऑफ मिल जाता है इसमें, साइड स्टैंड कट ऑफ जैसे फीचर मिल जाते हैं। और अगर इसके हैंडल पे आए ना, तो यहाँ पर ये पासिंग का जो अपना बटन होता है नॉर्मली वही, इंडिकेटर्स का, हॉर्न का, किल स्विच अपना, और ये स्टार्ट स्टॉप, तो अपना नॉर्मली पुराने वाले ही है, बिल्कुल पुरानी वाली फील दे रहा है। अब इसमें अगर इसके पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, तो पावर स्पेसिफिकेशन इसमें 4 4-stroke SOHC 4-valve लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, जो कि आपको 24.5 PS की पावर प्रोड्यूस करता है 9,750 RPM पे, और 18.6 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है, जो कि 8,000 RPM पे प्रोड्यूस कर देता है अपना। और अगर हम इसके ABS की बात करें, तो सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, फ्रंट में देखने को मिलता है, बट सिंगल चैनल ABS में देखने को मिलता है अपना। और तो भाई अगर इसकी लेंथ की बात करें ना, तो 199 की लेंथ देखने को मिल जाती है। अगर विड्थ की बात करें तो 765 mm की विड्थ देखने को मिल जाती है आपको। और अगर हम इसके हाइट की बात करें, तो 1114 mm की हाइट देखने को मिल जाती है। और ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी दे रखी है, 157 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। और कर्व वेट की बात करें, तो कर्व वेट इसको 164 kg का कर्व वेट, मतलब समझ सकते हो कितनी हल्की है भाई ये, बहुत अच्छी हल्की बाइक है, कंफर्टेबल बाइक है। ऊपर से अगर आपको टूरर स्पोर्ट्स में जाना है, तो RS 200 से बढ़िया ऑप्शन ना, सीरियसली कह रहा हूँ, नहीं हो सकता। इसमें आपको कम्फर्ट जो मिलता है ना, सीरियसली कह रहा हूँ, ये देखो भाई ये चीज़ क्या बहुत अच्छी लगी यार मेरे को इसकी, ये देखो कि राइडर की
सीट एक तो कंफर्टेबल होगी, ऊपर से पोजीशन भी बहुत अच्छी होगी। लॉन्ग ट्रिप तो आप ऐसे ही कर सकते हो इस पे, इतना बढ़िया, और पावर भी इतनी अच्छी खासी मिल जाती है आपको, पावर में लैग देखने को नहीं मिलेगा। और ऊपर से पिलियन की बात कर रहे हो, पिलियन बैठने में बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है, क्योंकि इसकी कुशनिंग बहुत अच्छी खासी दे रखी है पहले से ही। और हम अगर इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 13 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 30 के अराउंड माइलेज आराम से निकाल के दे सकता है, जो कि बहुत अच्छा है 200 सीसी के मुकाबले में। मतलब 200 सीसी की बाइक 30 तक की माइलेज दे दे तो बहुत अच्छी है। बाकी वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, चलाने के ऊपर आप कैसे चलाते हो तो उसके हिसाब से भी माइलेज देती है। बाकी अगर ओवरऑल लुक्स की बात करें ना और कलर डिज़ाइन की, तो बहुत अच्छा खासा दे रखा है, अपनी जो पुरानी RS 200 आती थी वैसा ही है, बट लोगों को यही पसंद है तो अभी भी लोग इसमें जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रेज़ चला हुआ है। और भाई अगली एक और वीडियो अपनी जो 2022 मॉडल वाली NS 200 है उस पे आने वाली है, तो अपना अगर तक अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो भाई। तो भाई अगर हम इसके सर्विस कॉस्ट की बात करें ना RS 200 की, तो RS 200 की सर्विस कॉस्ट आपको फ्री सर्विस 800 के अराउंड देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है यार, 800 के अराउंड मिल जाती है। और पेड सर्विस आपको 1000-1200 भाई देखने को मिल जाती है, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली है। और लुक्स और इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो अगर आपको स्पोर्ट्स टूर के ऑप्शन में जाना है तो ये इसकी तरफ ज़रूर जा सकते हो। और इसका ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 195 के अराउंड पड़ रहा है, जो कि अभी गुड़गांव का है, वो आपके एरिया टू एरिया मैटर भी कर सकता है। तो भाई अपना जो अगला रिव्यू वीडियो आने वाली है वो NS 200 में, मैंने जैसे आपको बता दिया NS 200 भी अपनी आ चुकी है 2022 मॉडल, थोड़ा सा लेट हूँ बट मज़ा आने वाला है आपको वीडियो देख के, क्योंकि मैं हर एक डिटेल कवर करने वाला हूँ, जैसे RS 200 की करीज की ओवर लुक्स और परफॉर्मेंस जो भी मिलती है इसमें और जो पावर मिलती है सब कुछ कवर करूँगा। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो ना RS 200 वाली, तो ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को, और फिर मिलते हैं आपको अगली ऐसी बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। Can I be your superhero?